technology is just a tool in terms of getting the kids to work together and motivating them. The teacher is the most important. Hello everyone, मैं हूँ पूजा रॉय and welcome back to my channel पूजा रॉय Inspiring World. आज का वीडियो सभी उन शिक्षकों को समर्पित. उम्मीद है आपके दिल को छू जाए. वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अपने शिक्षकों, अपने स्टूडेंट्स और अपने पेरेंट्स को इसे भेजना बिल्कुल ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट. खुद पर बने हर चुटकुले, हर उस फॉरवर्डेड मैसेज को आजकल जो चुपचाप सहते हैं, ये उनकी कहानी है जिन्हें हम गुरु, मैडम, सर या अपना टीचर कहते हैं. हाँ, ये वही हैं जिनकी क्लास में अक्सर तुम छुपकर टिफिन खाया करते थे. होमवर्क तो घर पर छूट गया, मैडम ऐसे बहाने बनाया करते थे. ये वही हैं जो गलतियों पर अक्सर तुम्हें टोक दिया करते थे. जो गलतियां औरों ने की वो तुम्हें करने से रोक दिया करते थे. पर अब न वो टोकना न रोकना सब कुछ जैसे फाइन हो गया है. अरे अब तो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है. अब तो होमवर्क करो ना करो क्या फर्क पड़ता है. टीचर की डांट से अब कहाँ कोई बच्चा डरता है. अब तो क्लास बंक करना पहले से भी आसान हो गया है. बंद करके पबजी खेल के सोचना कि जैसे टीचर का ही नुकसान हो गया है. पर काश, काश तुम समझते. ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर वह अरमान रखा है. इस मुसीबत के समय तुम कहीं पीछे ना छूट जाओ, इसलिए तुम्हारा हमने हाथ थाम रखा है. कईयों के सफलता का वो अनकहे से वजूद रहे हैं. तुमको आगे बढ़ाकर पीछे हमेशा खुद रहे हैं. वो चाहते हैं कि जिंदगी में साक्षरता की कीमत तुम समझ लो. ये वो लोग हैं जिनकी अपनी जिंदगी में थोड़ी अहमियत तुम सीख लो. मैं जानती हूं, हाँ मैं जानती हूं, इस ऑनलाइन वाले अजीब से दौर में उन्हें तुमसे बहुत उम्मीद है. और ये भी जानती हूं कि इन उम्मीदों पर पानी फेरने की तुम्हारे पास तरकीब बहुत है. मगर एक बात तुम भी जान लेना, अगर सच लगे तो मान भी लेना. मीलों दूर घर बैठकर स्क्रीन को घूर कर सिखाना आसान नहीं होता. सैलरी टाइम पर मिले ना मिले, पर तुम्हें सिखाना इनके लिए कोई एहसान नहीं होता. वो हिंदी की मैडम जो तुम्हें कविताएं सिखाया करती थी, पूरे क्लास रूम में घूमकर आज उनकी कविताएं मिलती हैं तुम्हें टीम्स और जूम पर. वो मैथ्स की टीचर जिनके सारी उम्र गुजर गई चौक और ब्लैक बोर्ड के साथ, आज वो भी पीछे नहीं है इस वर्क फ्रॉम होम के वर्कलोड के साथ. क्योंकि वे जानते हैं, हाँ वे जानते हैं कि तुम देश के भविष्य हो. तुम्हें अभी हासिल वो मुकाम करना है, आगे चलकर रोशन उन सबका नाम करना है. तो चलो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनका हौसला बढ़ाया जाए. जंग में वो अकेले नहीं उतरे हैं, तुम भी उनके साथ हो ये उन्हें बताया जाए. क्योंकि ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अब तक हार नहीं मानी है. ये मुश्किल से दौर में भी जो पढ़ा रहे हैं, ये उन वीरों की कहानी है. उम्मीद करती हूँ कि ये पंक्तियाँ आपको काफ़ी पसंद आई होंगी. सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच.